जसोदा मैया और नंद बाबा दोनों बैठे, नंद बाबा और उद्धव जी की बातचीत हो रही और जसोदा मैया वात्सल्य की मूर्ति। समझो सृष्टि में माता बहुत होती है, लेकिन जैसी माता जसोदा हुई और जैसा प्रेम उसने श्री कृष्ण से किया, वैसी प्रेम करने वाली दूसरी कोई माता सृष्टि में हुई नहीं। तो जसोदा माता का वर्णन करता है। जसोदा माता के वर्णन से आज हमारा क्या लाभ है? कई लोग होते हैं तो उनको अपने लाभ की फिक्र ज्यादा होती है और इस फिकर के कारण ही उनको लाभ हो नहीं पाता, क्योंकि वे स्वार्थी हो जाते हैं। हमको क्या लाभ, हमको क्या लाभ, हमको क्या लाभ। ये कोई दुकानदारी का बात की बात नहीं है। राजानुगा भक्ति कहती इसको, इसका नाम राजानुगा भक्ति। भक्ति एक तो होती है गंधी, गंधी माने विधि विधान के अनुसार, संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार,
के अनुसार जाते हैं। तो उसमें पहले अर्घ देना, फिर पाद्य देना, फिर आगमनीय देना, चंदन देना, किसी देवता को अक्षत चढ़ाया जाता है और किसी को नहीं। तो जिसको चढ़ाया जाता है उसको चढ़ाना, जिसको नहीं चढ़ाया जाता है उसको नहीं चढ़ाना। और पुष्प है, केतकी का फूल केवड़े का, किसी को चढ़ता है किसी को नहीं चढ़ता है। कनेर का फूल किसी को जोड़ता है किसी को नहीं चढ़ता है। तुलसी किसी को चढ़ती है किसी को नहीं चढ़ती है। बिल्व पत्र किसी देवता को चढ़ता है किसी को नहीं चढ़ता है। तो ये क्या हुआ? तो ये विधि विधान हुआ। ठीक शास्त्र में जैसा वर्णन है उसके अनुसार भक्ति करना, जिसको वैधि भक्ति बोलते हैं। और साधन के प्रारंभ में इसको करना आवश्यक है। इसको श्री रामानुज संप्रदाय में क्रिया योग बोलते हैं, है ना? इसको बल्लभ संप्रदाय में मर्यादा बोलते हैं। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में वैधि बोलते हैं। लेकिन ये तो भक्ति का प्रारंभिक रूप है, ये तो भीतर कैसे प्रेम करना ये पहचानने के लिए एक बाहरी नक्शा है। मानसी सेवा कैसे करना इसके लिए बाहर पहले सेवा करके सीख लेना, आगे चल करके जब प्रेम लक्षणा भक्ति उदय होती है तब प्रेम लक्षणा भक्ति के दो रूप होते हैं, एक रागानुगा और एक रागात्मिका। तो रागानुगा भक्ति उसको कहते हैं कि हम कोई गोलोक से आए सिद्ध भक्त नहीं, परंतु हमारे अंदर यशोदा मैया की भक्ति आवे, हमारे अंदर गोपियों की भक्ति आवे, ग्वाल बालों की भक्ति आवे, इसके लिए क्या करना? तो जिसके सरीखी भक्ति तुम चाहते हो उसका ध्यान करके, जैसे जसोदा अपने लाला से कैसा वात्सल्य पूर्ण प्रेम करती है, स्नेह करती है, इसका ध्यान करो। तो जसोदा मैया तुम्हारे हृदय में आवे और फिर उसका स्नेह जो कृष्ण के प्रति है सुहा, तो वो स्नेह जसोदा मैया का तुम्हारे हृदय में उपयोग हो जाएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है कि गोपी का प्रेम हमारे हृदय में आवे, यशोदा मैया का वात्सल्य हमारे हृदय में आवे, श्री रामा सुबल आदि का जो सख्य है वो हमारे हृदय में आवे। ये अपने हृदय को भक्तिमय बनाने की प्रणाली है। तो अब देखो लाभ वाली बात ध्यान में लो, यदि जसोदा मैया तुम्हारे हृदय में आ जाए और वो लाला से कैसा कुआव करती है, नंद नंदन से, नंद लाला से कैसा प्यार करती है अपने हृदय में, अगर ये बात तुम्हारे ध्यान में बैठ जाए तो वो जसोदा मैया वाला प्रेम तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यशोदा का प्रेम, यशोदा कहते हैं कि जिसने भगवान को यशस्वी बनाया हो, यशो ददाति इति यशोदा, जो यश दान करे उसका नाम यशोदा। किसको यश दान करे? बोले जो यश के परम आश्रय हैं, जिनसे बढ़ करके यश सृष्टि में और किसी का नहीं है, उन परमात्मा को जो यशस्वी बनावे उसका नाम यशोदा। यशोदा है ना आश्चर्य की बात, भला भगवान को कोई क्या यशस्वी बनावेगा, क्या यशदान करेगा? तो देखो भाई भगवान बहुत बड़े हैं, है ना? तो जो लोग भगवान के बारे में जानते हैं
वो यही जानते हैं कि भगवान निर्गुण हैं, निराकार हैं, सर्व कारण हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं, न्यायकारी हैं। यही बात लोग ईश्वर के बारे में ज्यादा करके जानते हैं। लेकिन ईश्वर कितना कृतज्ञ है कि अपने प्रेम करने वाले के वश में हो जाता है। वो है तो ईश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, त्रिलोकी नाथ, साक्षात परब्रह्म, परंतु उससे कोई प्रेम करे तो वो अपने बड़प्पन का ख्याल छोड़ करके उसके वश में हो जाता है। इतना वश में हो जाता है कि निर्गुण से सगुण बन जाता है, सगुण से निराकार से साकार बन जाता है, कारण से बेटा बन जाता है, व्यापक से गोद में आ जाता है, बिना रंग रूप का होने पर भी सावरा सलोना बन जाता है। तो बोला ऐसा किसने बनाया भगवान को? ये वशीकरण का प्रयोग ईश्वर पर किसने किया? ये वशीकरण का प्रयोग ईश्वर पर किसी ने किया तो यशोदा ने किया, और ईश्वर को वो जश मिला। ईश्वर भक्त वत्सल है, ईश्वर प्रेम परवश है, प्रेम के पराधीन, अपना सब ईश्वर छोड़ करके जाओ। दुनिया की सृष्टि चाहे हो चाहे न हो, स्थिति हो चाहे न हो, पालन हो चाहे न हो, हम कहम तो अपने प्रेमी की मुट्ठी में, अपने प्रेमी के वश में ईश्वर हो गया। ये बात किसने जाहिर की? यशोदा मैया ने, इसीलिए उनका नाम यशोदा है। अब एक बात दो बात देखो, यशोदा मैया का जो भाव है कृष्ण के प्रति वो वात्सल्य का भाव है, इसको शास्त्र में वात्सल्य बोलते हैं। तो वात्सल्य शब्द का क्या अर्थ है? वत्सम लादी वत्सला, कौ जो अपने बछड़े को चाटे उसका नाम है वत्सला। वत्सला माने गाय। तो गाय कैसी होती है? व्यापी है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक ऐसा व्यंग किया है, जिस स्त्री का पुत्र उसकी पुत्री भगवान का भक्त हो, उसने तो पुत्र जाया है, पुत्री जाई है, और जिस स्त्री का पुत्र पुत्री भगवान के भक्त नहीं हुए वो स्त्री जाई नहीं है, उसने संतान को जन्म नहीं दिया है, तो बादी बियानी वो ब्याई है, ब्याई है, सफल बाघ बल बरु बाध बियानी न करु बाघ फल बाध बियानी राम विमुख सुत से बड़ हानि। राम विमुख सुत से बड़ी भारी हानि है। पर गाय की क्या विशेषता है कि जब उसके बच्चा पैदा होता है, बछड़ा होता है, तो उसके मूत्र लगा होता है, गोबर लगा होता है, पीप लगी होती है, शरीर पर देर लगी होती है, देर वैसे कहीं खास पर वही चीजें पड़ी हुए तो गाय खाती नहीं है, सूंघ के छोड़ देती है। लेकिन अपने बच्चे के शरीर पर खून लगा है, पीप लगी है, मूत्र लगा है, गोबर लगा है, और गाय क्या करती है? अपने जीभ से चाट लेती है उसको। अपने बच्चे से उसका कितना प्रेम है, अपने बच्चे से उसकी कितनी ममता है, कितना प्रेम है। तो अपने आश्रित जन के दोष को अपना भोग्य बनाए लेना, ये वात्सल्य का, ये वात्सल्य का लक्षण है। गोपियां आई यशोदा मैया के घर और बोली, मैया तेरा लाला हम लोगों के घर में जाके बड़ा उद्यम मचाता है। मैया ने कहा कि नन्हा सा मेरा लाला अभी तो मुट्ठी में आ जाए, इतनी तो इसकी कमर है, मुट्ठी अगर हाथ से पकड़े तो मुट्ठी में आ जाए, इतनी इसकी कमर। ये तुम्हारे घर में रानी जी
जाके क्या उधम मचाता है। तो गोपी बोली बछड़े छोड़ देता है, डांट दिया करो। कहते कहते गोपियों ने कहा कि दही दूध चुरा के खाता है। तो मैया ने कहा कि देखो ग्वाले, मैं तो बहुत विनय करती हूँ कि लाला, चरौही विनती करती हूँ, मनाती हूँ कि लाला मक्खन का एक लौंदा खा ले, और नहीं खाता है। मैं तो हार जाती हूँ। अगर इसको मेरे घर का माखन अच्छा नहीं लगता है, ईश्वर कृपा से तुम्हारे घर का माखन अच्छा लगता है, तो एक खाए, दो खाए, चार खाए, जितना खाए खूब मन से, जो भी बोलना मत, छेड़ना मत, खाने देना, और उससे दो गुना, चार गुना, आठ गुना तुम जितना चाहो उतना हमारे घर से ले जाओ। देखो दोष दृष्टि नहीं हुई ना, दोष भाव नहीं हुआ, चोरी करता है। अरे चोरी करता है तो डांटना चाहिए ना। गोपी ने कहा कि मैया सब ग्वालों को खिलाता है और बानरों को भी बांटता है, ऐसी ऐसी ऊधम के काम करता है। बड़ी बड़ी शिकायत की बात गोपियों ने। पर जसोदा मैया ने देखा कि गोपियों की नजर किधर है, तो सभय नयन श्री मुखा लोकिनी बिर व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी न युपाल। अरे ये तो निगोड़ी आई है हमारे लाला को देखने के लिए, निहारने के लिए, अपनी आँख का प्यास की प्यास बुझाने के लिए, अपनी आँख की प्यास बुझाने के लिए तो घर में आई हैं, झूठा दोष लगाती हैं। अरे हमारा भोला भाला लाला ये सब क्या जाने, देखो ना प्रासित मुखी हंसने लग गयी, और वो हंसने लगी तो कृष्ण भी हंसने लग गए, गोपियाँ भी हंसने लग गयी। ये कृष्ण के दोष पर है ना, कृष्ण के दोष पर दृष्टि नहीं है, ये भी एक बात कर लिया है। दूसरी ओर देखो, जब मालूम हुआ कि कृष्ण ने माटी खाई है, तो मैया ने कहा कि ये माटी तो कहीं जाके पेट के भीतर अपच न कर दे, कहीं लाल पीले नीले दस्त न आने लगे, कीड़े न हो जाए हमारे लाला के पेट में, तब कस्मान मृदमदान कास्मन भवान भक्षितवान रे, वो ठीक वो चटोरे तूने माटी क्यों खी खाई। ये देखो डांट है। जब ज्यादा दूध पीने लगे तो डांट दिया भैया ने, नहीं नहीं अपच हो जाएगा। और जब घर में ज्यादा उधम मचाया तो लेके साथी यष्टि लेकर के, छड़ी लेकर के मैया दौड़ी, खदेड़ा, पकड़ा, रस्सी से बांधा। ये अब देखो ना, ये त्रिलोकी नाथ, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये सर्वेश्वर, ये साक्षात परब्रह्म, अपने से प्रेम करने वाले भक्त के कितना अधीन हो जाता है कि उसकी दी हुई गाली सुने और उसके हाथों बंध जाए, दोनों हाथ सामने। बलदाऊ जी आकर रोने लगे कि लाला ये तुमने क्या किया, तेरा नाम लेके लोग मुक्त हो जाते हैं और तू आज बंधन में पड़ा है। ए, प्रेम का बंधन दूसरा ही है, प्रेम रज्जुकृत बंधनम अन्यत्। प्रेम की रस्सी ऐसी बांधती है, ऐसी बांधती है कि ईश्वर भी बंध जाता है। तो देखो ये यशोदा मैया का प्रेम, सफाई देनी पड़ती है कृष्ण से, कृष्ण को, मैया मैं नहीं माखन खाए, मैंने माखन नहीं खाया, सफाई देनी पड़ती, क्यों? ये प्रेम के वश में, प्रेम परवश है, प्यार के बंदी है। ये यशोदा मैया की प्रीति है बोला। अब वही यशोदा मैया हो जो कभी छड़ी लेके माटी उगलवा रही है, साथी ले उगलावती माटी, जो कभी रस्सी लेके बांध रही है, जो कभी गोद में लेकर के दूध पिला रही है, उसी मैया को अपने लाला की कहानी सुननी पड़ रही है उद्धव जी के मुंह से। इतना करुण प्रसंग है। आप एक बार ध्यान दो, यशोदा वर्ण्यमानानी पुत्रस्य चरितानि च श्रेण्वन्त्यश्रूण्यवाश्राक्षि स्नेहस्नुत पयोधरा। वर्ण्यमानानी वर्तमान में वर्णन हो रहा है और चरित्र का वर्णन हो रहा है,
फिर यदि सौंदर्य का वर्णन हो, माधुर्य का वर्णन हो, बाल लीला का वर्णन हो, तब तो कहना ही क्या। और सो भी किसी दूसरे का नहीं, अपने बेटे का। और मैया कहती है कि ये कान नहीं फट जाते जो सुनने के लिए जिंदा है, जिसको दूध पिलाया हो अपनी छाती का, जिसको गोद में खिलाया, जिसने कभी आके चोटी खींच ली, जिसको चंदा मम्मा दे मामा दिखला करके थाली में बहलाया, जिसको झूठी गढ़ करके कहानियां सुना के सुलाया, अब उसके चरित्र सुनने पड़ रहे हैं कि आजकल कहाँ है, आजकल कंस को मार के मथुरा बसा रहे हैं, जदुवंशियों का पालन कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, ये सब सुनना पड़ रहा है। ये नहीं बताते हैं उद्धव जी की रोज उसको जब नींद से उठता है तो माखन मिश्री कौन देता है, ये तो उद्धव जी ने नहीं बताया। मथुरा में बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी इज्जत, कौन माखन मिश्री रोज देता है। अच्छा उद्धव जी ये तो बताओ कि हमारा लाला कभी बांसुरी लेकर वहाँ बजाता है, तुमने उसको, हम ताली बजाते थे और वो नाचता था, तुमने कभी ताली बजाने पर उसको नाचते देखा है। मैया के मन में जो भाव है ना, वो वाणी पर नहीं आता है, वो उसका दिल फटता है, उसका दिल फटता है। तो वहाँ किसी के घर में माखन चोरी कभी करने गया, वहाँ किसी गोपी के साथ उसने छेड़छाड़ की, क्या मजा आता होगा उसको, किस गोप को वहाँ कंधे पर लेता होगा, किस गाय के पीछे चलता होगा। तुम सुना रहे हो उसके चरित्र ऐश्वर्यमय, प्रभावमय, आदर्श, और मैया सुन रही है बस अश्रुणी आवाज राक्षी, टपाटप 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 आंसुओं की सृष्टि हो रही है। जिस मैया ने एक दिन श्री कृष्ण की सृष्टि की थी, वो मैया अस्त्राक्षी अब आंसुओं की सृष्टि कर रही है। स्नेह स्नुत पयोधरा, यही तो माँ की विशेषता है भाई। संस्कृत साहित्य में स्नेह शब्द दूध दही घी तेल आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो बाप भी स्नेह करता है और माँ भी स्नेह करती है। पर बाप का स्नेह मन में होता है और माँ का स्नेह मन में भी होता है और छाती में भी होता है। मूर्तिमान स्नेह वस्तु बनता है, पति पत्नी के प्रेम में प्रेम वस्तु नहीं बनता, और पिता पुत्र के प्रेम में स्नेह वस्तु नहीं बनता, मित्र मित्र के प्रेम में प्रेम वस्तु नहीं बन जाता, परंतु माता के प्रेम में उसका प्रेम वस्तु बन जाता है, दूध बन जाता है। ये माता की छाती का जो दूध है वो स्नेह का घनी भाव है। मैया के स्तन से भी दूध, छाती से भी दूध बह रहा है और आंख से आंसू बह रहे हैं और मैया प्रेम में मग्न हो रही है। दृष्टि पड़ी उद्धव जी की, तयोरित्थम भगवती कृष्णे नंद यशोदयो हो वीक्ष्यानुरागम परमम नंदमाहोद्धवो मुदा। भगवती कृष्ण तयो हो नंद यशोदयो हो इत्थम परमम अनुरागम वीक्ष्य उद्धव मुदा नंदम आह। उद्धव जी ने देखा, क्या आश्चर्य है, यहाँ विषय की शुद्धि बताई। भगवती कृष्ण इत्थम परमम अनुरागम वीक्ष्य, पहले तो लोगों के मन में अनुराग ही नहीं होता, यदि सामान्य दृष्टि से देखें तो अनुराग नहीं होता। क्या होता है, काम होता है। ये नहीं समझना कि जो जवान होते हैं उनके काम होता है,
हाँ, बूढ़ों के भी काम होता है और बच्चों के भी काम होते हैं। काम का अर्थ होता है अपने सुख के लिए किसी के साथ संबंध जोड़ना। तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने में हमको बड़ा सुख मिलेगा, और तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तो हम मर जाएंगे। तो अपने मरने का जो डर है, उस डर से या अपनी तकलीफ के डर से, अपने दुख के डर से दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ना, ये काम है वो, ये प्रेम नहीं हुआ। तो सृष्टि में प्रायः प्रेम होता ही नहीं, होता है तो काम होता है। अब ईश्वर की दृष्टि, ईश्वर की कृपा से समझो, किसी का हृदय शुद्ध हो गए और उसमें सच्चा अनुराग आवे, तो अनुराग आता है विश्वास पे। वैसे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज भक्ति की व्याख्या करते हैं, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्थो सुदृढ़ सर्वतोधिका स्नेहो भक्ति विख्यात तया मुक्तिर नचान्य था। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ये भक्ति की व्याख्या करते हैं। क्या व्याख्या है? कि पहले तो महात्म्य का ज्ञान होगा, ये नहीं कि चाहे जिससे बोले हम तो रसूलन को ही सर्वेश्वर मानते हैं। तो ये जो रसूलन बेगम को और रसीदा बेगम को ये जो ईश्वर मानना है, ये महात्म्य ज्ञान पूर्व नहीं है। इसलिए वहाँ जो प्रेम और भक्ति और हृदयेश्वरी और प्राणेश्वरी और ईश्वर भावना है, ये सब बिल्कुल व्यर्थ है, ये अपनी बदमाशी को छिपाने का एक तरीका है। तो ये सब कुछ नहीं होता। तो पहले तो संसार में शुद्ध प्रेम नहीं होता, काम होता है। प्रेम के लिए ये अनिवार्य है, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिका स्नेहो भक्ति दीक्षा तया मुक्ति न जान्य था। एक तो पहले महात्म्य का ज्ञान होवे कि ये ईश्वर है, वेद में शास्त्र में ईश्वर रूप से उसका वर्णन हो, महात्मा लोग उसको ईश्वर कहते हो, उसके जो ईश्वर जो है गोवर्धन धारण आदि वे देखे गए हो, महात्म्य ज्ञान पूर्वक हो। और दूसरी बात है सर्वतोधिका, जितना प्रेम उससे हो उतना प्रेम फिर किसी और से न हो, सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक माने अपने से भी अधिक हो, अपने से जितना प्रेम है उससे भी ज्यादा हो, और सुदृढ़ कल्पांत में भी महाप्रलय में भी मिटने वाला न हो। ऐसी स्नेह का नाम भक्ति है, और श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के मत में भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। और मुक्ति क्या है? भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है। जेना अपवर्गाख्य मद प्रबुद्धि, ये अपवर्ग जो है वो भगवान के चरणारविंद, मुकुंद पादारविंद का नाम ही, गोविंद पादारविंद का नाम ही मुक्ति है, उसकी प्राप्ति होती है। तो अब विषय की महिमा बताते हैं। यशोदा नंद अपने बेटे में भगवत बुद्धि नहीं करते हैं, वो अपने बेटे में भगवत बुद्धि नहीं है, अपने बेटे का बेटा हमारा भगवान है ऐसा नहीं मानते हैं। जिसको सब लोग भगवान मानते हैं उसको वे अपना बेटा मानते हैं। संसारी लोग क्या करते हैं? अपने बेटे को भगवान मानते हैं, ये संसार हुआ। अपने बेटे को भगवान मानना ये संसार हुआ, और भगवान को अपना बेटा मानना ये भक्ति हुई। तो भगवान परमेश्वर स्वामी प्रभु, तो यहाँ विषय बताया, विषय क्या? यशोदा कृष्ण के प्रेम में पहली बात यह है कि उनके प्रेम का विषय कोई संसारी नहीं है, साक्षात भगवान है। इस बात को श्रीधर स्वामी ने एक स्थान पर ऐसा बढ़िया समझाया है, किसी ने पूछा कि दुर्जा के मन में तो बिल्कुल सोलह आने काम था,
कई गोपियां भी ऐसी थी जिनके मन में कृष्ण के प्रति काम ही था, तो काम भाव होने पर भी उनका कल्याण कैसे हुआ? श्रीधर स्वामी ने एक पद बोल दिया हो, विषय महिमना, विषय की महिमा से, प्रेम करने वाले की महिमा से उसकी मुक्ति नहीं हुई, जिससे प्रेम किया गया उस भगवान कृष्ण की महिमा से उनकी मुक्ति हुई। अब विषय महिमना अलौकिक विषय है ना, कृष्ण अलौकिक विषय। एक श्रीधरी पर टीकाकार है बंसीधर जी, वैसे टीका तो उन्होंने बड़ी बढ़िया लिखी है हो, और क्या नाम है, सब संप्रदायों की टीका का सार उन्होंने अपनी टीका में संग्रह कर लिया। उनकी टीका देख के पहले शुरू शुरू में मेरे मन में आया कि हम भी टीका लिखेंगे कभी, भागवत माधुकरी लिखेंगे, माधुकरी, माधुकरी ध्यान में आया ना, पांच सात घर से भिक्षा मांग के क्या बढ़िया भोजन करते हैं साधु लोग, सात घर में सात तरह की दाल मिली, सात तरह का साग मिला, सात तरह की रोटी मिली, और इतना तो एक गृहस्थ को खाने को मिलता ही नहीं है कभी। इतनी बढ़िया चीज एक गृहस्थ को कभी खाने को नहीं मिलती है। हमारे पांच सात घर से जिस दिन भोजन आ जाता ना वृंदावन में, किसी के घर से खीर आई तो किसी के घर से बड़ा आया, तो किसी के घर से उड़द की दाल आई, किसी के घर से अरहर की, किसी के घर से मूंग की, अब एक गृहस्थ के घर में जाओ तो उतनी चीज खाने को कहाँ से मिलेगी। तो भागवत पर टीका लिखना तो कैसी, बोले माधुकरी, कुछ उनके घर की, कुछ उनके घर की, कुछ उनके घर की, और सब मिला करके माधुकरी भिक्षा जैसे सन्यासियों की होती है वैसी हो जाती। तो अब देखो कि बंसीधर जी को विषय महिमना पद जो है वो लगा नहीं। विषय महिमना पद का अर्थ है कि जिससे प्रेम किया गया, वो जो प्रेम का विषय है, मुरली मनोहर पीतांबर धारी, नंद नंदन श्याम सुंदर, मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, त्रिभंग ललित भाव से खड़ा, वो प्यारा प्यारा, वो जो प्रेम का विषय है, वो स्वयं इतना महत्वपूर्ण है कि राग से, द्वेष से, मोह से, काम से, क्रोध से, लोभ से, जैसे भी उसके साथ मन जुड़ जाए, जिन के नाथ के उपाय न मन कृष्ण निवेश, चाहे कैसे भी उसके साथ मन जुड़ जाए और मन जुड़ने वाले का कल्याण हो जाए। अब नंद यशोदा के अनुराग का जो विषय है वो भगवान कृष्ण है, ये बात देख के उद्धव जी को बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद हुआ। तो अधिकारी है नंद यशोदा, ये तो प्रेमी है, और जिनसे प्रेम किया गया वे हैं भगवान कृष्ण, और जो प्रेम किया गया वो कैसा, तो परमम अनुरागम, परम अनुराग है वो। एक राग होता है, एक अनुराग होता है। तो राग तो, राग में तो राह चलते लोग फंस जाते हैं, बात तो गंदी सी लगती है, पर यही कि एक सेठ ने एक दिन हमको बताया था, अब से कोई 25 वर्ष पहले की बात है, उस समय वे जवान थे, अब तो बुढ़े हो गए। उनको महाराज यहाँ कोई घूंघट वाली स्त्री बंबई में देख गई, तो उनके मन में कल्पना हुई कि ये बहुत सुंदर है, उन्होंने उसका पीछा किया, खुद बताया उन्होंने, पीछा किया कहाँ कहाँ घूमते घामते, जब वो अपने घर में पहुंची तो वो समझ गई थी कि ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। अपने दरवाजे पर खड़ी हो करके उसने अपना घूंघट हटा दिया, बोले भाई देख ले, बिल्कुल वृद्धा स्त्री थी हो, उसके मुंह में दांत भी थे। अब देखो राज इसको कहते हैं कि पार्क में, सड़क पर है ना, सभा में, बस आंख में रोग हो गया, दिल में रोग हो, दिल में छेद हो गया, आंख में रोग हुआ, दिल में छेद हुआ, मरो। तो ये जो राग है संसार में, ये बड़ा भारी दुख है। अनुराग क्या है कि भगवान हमसे बड़ा भारी स्नेह करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, हम उनको नहीं देखते और वे हमको देखते रहते हैं, हम उनको भूल जाते हैं, वे हमको नहीं भूलते हैं, हमने उनसे रिश्ता नाता तोड़ लिया है
पर उन्होंने हमसे अपना रिश्ता नाता नहीं तोड़ा है, ये जीव ईश्वर के प्रति कृतज्ञ है। जब इसको अपनी कृतज्ञता का ख्याल आता है कि ईश्वर हमारे प्रति इतना प्रेम करता है, और एक न एक दिन आएगा, ईश्वर हमको अपनी गोद में रखता है, हमको देखता रहता है, हमारा पालन पोषण करता है, ये बात मानते हैं कि कृष्ण का हमारे प्रति बहुत प्रेम है, यही प्रेम की जड़ है। अगर तुम ये मानते हो कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ और वो नहीं करता है, तो प्रेम खोखला है बोला। और जब ये मानते हो कि वो तो हमसे बहुत प्रेम करता है लेकिन हमारा कम है, तो तुम्हारा प्रेम बढ़ता है। परम अनुराग, नंद बाबा और जसोदा मैया का परम अनुराग। तो देखो, एक तो नंद जसोदा सिद्ध पुरुष और दूसरे भगवान श्री कृष्ण अलौकिक प्रियतम, और ये अनुराग का परम, इनको देख करके उद्धव जी बोले। उद्धव जी के बोलने में भी एक बात बड़ी विलक्षण है। वैसे जब किसी दुखी आदमी के पास जाता है कोई, तो दुखी आदमी के पास जाके हंस हंस के बात नहीं करनी चाहिए। दुखी में तो समवेदना, सहानुभूति, दुखी को जितना दुख हो रहा है उसको दुखी देखकर अपने को भी उतने दुख होवे, तो समवेदना हो गई, वेदना में समता आ गई, सहानुभूति उसके साथ एक होकर के उसके दुख का अनुभव करो, दुख बताओ, ये रीति है। एक दुखी से मिले और अपना सुख सुनाने लगे, एक के घर में मौत हुई थी और उससे मिले तो अपने घर में जो ब्याह हुआ था उसका समाचार सुनाने लगे, तो उसको अभी शिष्टोचित जो कर्तव्य है, इतिकृत्य, शिष्ट पुरुषों का एटिकेट जो है ना, इतिकृत्य, वो उसको मालूम नहीं है, वो इतिकृत्य से अनभिज्ञ है। इतिकृत्य बोलते हैं तो क्या, किसके साथ क्या करना चाहिए, इतिकृत्य ऐसा करना चाहिए, ये एटिकेट है, तो ठीक ठीक पालन करना। अब नंद बाबा जसोदा मैया दुखी हैं, उनके घर में उद्धव जी आए तो उनको भी दुखी हो जाना चाहिए, पर वो तो दुखी नहीं हुए। उद्धव जी को भीतर से आनंद आया, बोले आ हा हा हा, आज हमको ऐसी भक्त का दर्शन हुआ, मैं समझ गया मेरे प्यारे सखा ने, श्री कृष्ण ने मुझे इसी के लिए भेजा था कि जा करके तुम नंद जसोदा के दिव्य अनुराग को देखना। हम तो मथुरा में यूं ही समझते थे कि हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी कृष्ण के प्रेमी हैं। अब मालूम पड़ा कि कृष्ण से कैसा प्रेम किया जाता है। आनंद से धन्य हैं हम कि आप सरीखे भक्त का दर्शन हुआ, इसलिए मुदा है ना, मूड में आ गए। ये मुदा जो है ना, ये मूड है, मुद में भर करके बोले। अथवा यूं देखो कि श्री कृष्ण ने हमको बिल्कुल ठीक स्थान पर भेजा है। मैं उद्धव हूँ, उत्सव, तो इनके दुख में आनंद का संचार करना हमारा काम है। तो अपने पास आनंद न हो तो दूसरे को क्या देंगे? संकल्प पास जिसके पास स्वयं सुख नहीं है, संसारी लोग हैं, अब वो दूसरे को सुख देने के लिए जाते हैं। अरे सीताराम, है तुम्हारे पास कुछ? एक सत्संगी थे तो उनको उपदेश करने का शौक था। हो कई सत्संगी ऐसे होते हैं कि उनको उपदेश करने का शौक होता, निकलते कम है उगलते ज्यादा है, कान से निकला जाता है और मुंह से उगला जाता है, तो अब मन को कैसे वश में करना, इस पर वो उपदेश करने लगे। तो अब जैसे कोई महात्मा हो तो लोग थोड़ा संकोच भी कर जाए। एक सत्संगी उनका उपदेश सुन रहा था, सुनते सुनते बोला कि तुम मन को वश में करने का उपदेश तो बहुत करते हो, तुम्हारा मन वश में हुआ है कि नहीं हुआ है? जब तुम्हारा खुद का नहीं हुआ तो तुम दूसरे को क्या उपदेश करोगे? अरे आदमी क्या देगा? हो जिसके पास दुख होगा वो दुख देगा, जिसके पास सुख होगा वो सुख देगा। ये उद्धव जी महाराज तो
सुख की पिटारी लेके आए हैं, कृष्ण के पास से सुख की पिटारी लेके आए हैं, तो मुदा आनंद में भर करके उन्होंने खोल दिया, सुख की पिटारी खोल दी। तो नंद माहो धवो मुदा, तो कृष्ण ने जो है वो दे रहे हैं, अपने को जो आनंद हो रहा है उसको प्रकट कर रहे हैं। युवाम श्लाघ्य तमौनम देहिनाम इहमानदो नारायणे खिल गुरु यत कृता मतिदीदृशी। अब उद्धव जी का वचन है, सुखदेव जी संग्रह कर रहे हैं। उद्धव जी का क्या वचन है? युवाम श्लाघ्य तमौनम मानदो, हे मानदो, मान देने वाले, मान देना ये भक्त का लक्षण, मान लेना भक्त का लक्षण नहीं है, मान देना भक्त का लक्षण, खुद बड़ा बन जाना ये भक्त का लक्षण नहीं है, दूसरे को बड़ा बना देना ये भक्त का लक्षण है। हरि बाबा जी महाराज में ये लक्षण ऐसा घटता है महाराज, वो किसी न किसी को बड़ा बनाए बिना रहते ही नहीं है। वो जहाँ कहीं रहते हैं, जहाँ कहीं रहते हैं, एक मूर्ति वो एक मूर्ति ऐसी कोई न कोई चुन लेते हैं, इनको भगवान का दर्शन हुआ है, ये भगवान के बड़े प्रेमी हैं, ये बड़े भक्त हैं, ये ऊपर बैठाने योग्य है, बोला किसी न किसी को मान दे के खुद नीचे बैठते हैं। तो चाहे जिसको मान देते हैं वो मान देने योग्य है कि नहीं है, इसका विचार तो हम लोग कर लेते हैं, बोला कि वो मान देने योग्य है कि नहीं, ये तो सोच लेते हैं हम लोग। लेकिन महाराज इनका स्वभाव ऐसा है कि दूसरे को मान दे करके वे प्रसन्न होते हैं, ये भक्त का लक्षण है। तो अमानी मानदो मान्या, ये भगवान का नाम है। वो भगवान अपने लिए मान नहीं चाहते हैं, दूसरे को मान देते हैं, इसीलिए वो मान्य हैं। माँ माने माया से अन्य है, बोला वो माया से परे हैं, इसलिए मान्य। माँ माने माया और अन्य माने उससे परे, जो माया से परे है असल में वही मान। अब ये रुपया पैसा घर द्वार औरत जेला चाकी ये सब मान देने की चीज नहीं है, ये तो समझो एक लाख बेवकूफी किसी के पीछे चले, तो वो बेवकूफों का ही सरदार होता है, वो भगवान का भगत नहीं हो जाता। भगवान का भगत वो होता है जो दूसरों को मान। ये नंद बाबा के लिए उद्धव जी महाराज एक आए हुआ अमेरिका से आए, तो उनकी याद आ जाती है 25-30 वर्ष पहले, बड़े भारी जटाधारी और प्रसूनधारी और वो दिमागदार महात्मा पधारे इलाहाबाद, कुंभ में नहीं, कुंभ से अलग के बाद तीसरे पर। और जब खड़े हुए व्याख्यान देने को तो बोले कि अमेरिका में 1.5 लाख चेले मारे, अरे भाई वो 1.5 लाख चेले तुम्हारे वो सब क्या अध्यात्म शास्त्र के देता है, क्या महात्मा को पहचानते हैं? एक हमारे प्रेमी थे वो, तो उनको इस बात का गर्व हो गया कि आईसीएस क्या होते हैं, एक आईसीएस अफसर हमारा चेला है, वो हमको मानता है तुम्हें बहुत बड़ा, क्योंकि हमको इतना बड़ा अफसर मानता है। अब एक दिन वो अफसर आया, अफसर से बातचीत हुई, तो उसको यही नहीं मालूम था कि सीता जी राम जी की पत्नी थी कि रावण की थी, और वो बड़ा भारी मान उनको देता था। तो भले भाई आईसीएस होगा, परंतु जिस मामले में वो दूसरे को मान देता था उस बारे में उसकी कोई जानकारी नहीं। तो ऐसे बड़प्पन नहीं आता है, बड़प्पन आता है ये दूसरे को कितना मान देता है। जैसे देखो यहाँ नीचे बैठे, तो नीचे बैठे तो बड़े उदार हैं, दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, है ना, सत्संग करने के लिए नीचे बैठे हैं, और हम आके ऊपर आसन लगा के बैठ गए, और हमारा क्या पता चले, है ना, हमारा क्या पता चले कि हमारे भीतर अभिमान है कि नहीं है,
तो आप लोग तो भक्त हैं क्योंकि दूसरे को सम्मान देते हैं, ये मानद हुए है ना। मानद जो होता है वो भक्त होता है, जो मानल होता है वो भक्त नहीं होता है। मानल है कि मानद है, मानद भक्त है। इसलिए नंद बाबा के लिए संबोधन है मानद। अब ये प्रसंग फिर आप